सन 1540 में आज ही के दिन महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। प्रताप उदयपुर मेवाड़ में ससोदिया राजवंश के राजा थे। 1576 में महाराणा प्रताप और अकबर की सेनाओं के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। आज ही के दिन 1986 में तेनजिंग नोरगे का निधन हुआ था। माउंट एवरेस्ट के शिखर पर चढ़ने वाले वो पहले व्यक्ति थे। तेनजिंग बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और 1933 में उन्हें भारतीय नागरिकता मिली थी। 1959 में नोरगे को पद्मभूषण सम्मान से नवाजा गया था। आज ही के दिन 1866 में राष्ट्र सेवी गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म हुआ था। गोखले का राजनीति में पहली बार प्रवेश 1888 इलाहाबाद में कांग्रेस के अधिवेशन में हुआ था। 1902 में गोखले को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का सदस्य चुना गया था। 1995 में आज ही के दिन हिंदी के मशहूर निबंधकार कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का निधन हुआ था। प्रभाकर ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक थे। नई पीढ़ी नए विचार, जिंदगी मुस्कुराई, माटी हो गई सोना आदि प्रभाकर की प्रमुख रचनाएं हैं। आज एक दिन 1998 में बॉलीवुड के मशहूर गायक और फिल्म अभिनेता तलत महमूद का निधन हुआ था। इन्होंने मात्र 16 साल की आयु में ही गजल गायक के तौर पर अपने सफर की शुरुआत की थी। फिल्मों में अहम योगदान के लिए तलत महमूद को 1992 में पद्म भूषण सम्मान से नवाजा गया था।